हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फन क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित का जो पहला चैप्टर है वो शुरू करेंगे। इसका सिलेबस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं और अंकों का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। ये आपको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे चैनल से और हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये गणित है और ये आज आपका पहला चैप्टर है जो कि है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या क्या है, पहले जानेंगे कि संख्या क्या है। संख्या और संख्या अंक से आप क्या समझते हैं। संख्या कोई भी वस्तु जो आपके सामने इस टाइम दिख रही है, आप सोचिए कि वो कितनी है। इसका जिससे हमें बोध होता है वो संख्या कहलाती है, उसे संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी वस्तुएं हैं, आपके सामने कोई भी वस्तु दिख रही है तो वो कितनी है, इसका बोध आपको जिससे होता है उसे अंक कहते हैं। संख्या क्या होता है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे एक है, दो है, तीन है, ये व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ये आपका अंक हो गया। संख्या अंक मतलब वो वस्तु कितनी है, इसका आपको जिससे पता चलता है, उसे जिससे निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो आपका संख्या अंक कहलाता है। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम क्या होता है, अब जानेंगे। आरोही क्रम वो होता है जो बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखा जाता है, जैसे एक एक से बड़ा दो होता है, दो तीन चार पाँच, इससे ये जो लिखा जाता है एक दो तीन चार पाँच, ये आपका आरोही क्रम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो आप जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो जो आपका सबसे पहला अंक होता है वही सबसे छोटी संख्या कहलाती है। यहाँ पर शून्य को छोड़कर, यहाँ पर शून्य आपका सबसे छोटी अंक संख्या नहीं होगी, वो जो होगा वो आपका एक होगा। और सबसे बड़ी संख्या तो निकाली ही नहीं जा सकती है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या जो आप सोच रहे हैं कि ये संख्या सबसे बड़ी होगी, तो उसमें आप अगर एक भी ऐड कर देते हैं तो वो उससे बड़ी संख्या हो जाती है, तो इसको नहीं निकाला जा सकता है। अगर संख्याएं सीमित दी हुई हैं तब आपका सबसे बड़ी संख्या निकाला जा सकता है। आप उसको अवरोही क्रम में का क्या मतलब हुआ कि जैसे 9 तक की संख्याएं दी हुई हैं तो आप उसको 9 के बाद 8 7 6 5 4 ऐसे करके जब आप उसे लिखेंगे तो सबसे पहला अंक जो हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के विषय में महत्वपूर्ण बातें लिखिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप प्राकृतिक संख्याएं कैसे जानेंगे, शून्य को छोड़कर जितने भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर आप इसमें प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और ऐड कर देते हैं, शून्य को भी ले लेते हैं, तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अगर आपसे पूर्ण संख्या के बारे में पूछे तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। अगर आपसे प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछे तो वो 0 को छोड़कर 1 से शुरू होगा, वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। फिर है, किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या
पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसे आप इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, ये पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा एक। फिर है, किसी भी संख्या में दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे कोई भी एक संख्या है तो मान लीजिए 3 है, तो दाईं ओर उसकी परवर्ती संख्या होती है, दाईं ओर मतलब जैसे 4, और बाईं ओर उसकी पूर्ववर्ती होती है मतलब कि 2। ऐसे ये आपका 4 जो है ये परवर्ती हो जाएगा और 2 आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा। फिर है, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ली गई प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि सोने को छोड़कर सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और अगर पूर्ण संख्या के बारे में पूछे तो आप उसमें शून्य को भी ले लेंगे तो वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया कि कोई भी संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे आगे आने वाली संख्या उससे बड़ी होती है। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एक से पहले कुछ भी नहीं होता है। एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। अनुवर्ती मतलब जो उसका अनुसरण करे। प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। स्थानीय मान ज्ञात करने की विधि उदाहरण सहित बताइए। तो सबसे पहले स्थानीय मान, स्थानीय मान का ज्ञान देने के लिए शिक्षक बोर्ड पर कोई संख्या लिखे, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, तथा उस संख्या के नीचे दाएं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखें। जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लिखा हुआ है। इसके पश्चात छात्रों से पूछें कि किस संख्या के नीचे क्या लिखा है। जो उस संख्या के नीचे लिखा होगा वही उस संख्या का स्थानीय मान होगा। जैसे अब 9 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब कि वो जो संख्या है वो किस स्थान पर है। यहाँ पर 9 जो है वो इकाई के स्थान पर है, तो 9 का स्थानीय मान 9 इकाई मतलब 9 × 1 = 9, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान, 4 जो है दहाई के अंक पर है, तो दहाई के अंक के लिए 10 से गुणा होता है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। ये जो है ये दहाई के स्थान पर है इसलिए ये 40 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान सैकड़ा है, तो सैकड़ा में 100 होता है, तो ये आपका 600 हो गया। और हजार में आपका 1000 ऐसे होता है, तो 5 का स्थानीय मान, क्योंकि 5000 के स्थान पर है, तो 5000 को इस तरह से लिख देंगे, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल तरीका है स्थानीय मान को जानने के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्थानीय मान जानते हैं। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू की, मतलब वो संख्या किस स्थान पर है। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अब है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसके बाद है,
अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो या खुद स्वयं से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 41 किसी से भी नहीं विभाज्य है, एक से कट सकता है या फिर स्वयं 41 से ही कट सकता है, तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 51, ये एक से विभाजित होगा, 51 से विभाजित होगा, 17 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। ये देखिए, ये दो और भी मिल गए इसको विभाजित करने के लिए, तो ये जो है आपका भाज्य संख्या हो जाती है। अभाज्य संख्या वो जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य एक और संख्या से विभाजित हों, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जानेंगे पूर्णांक और परिमेय संख्याएं क्या क्या हैं। परिभाषित कीजिए पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो पूर्णांक वे जो पूर्ण अंक हो, मतलब वे सभी पूर्ण संख्याएं, तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब कि जो संख्या रेखा पर जो संख्याएं निरूपित की जाती हैं, 0 के आगे जो दाएं साइड में 1 2 3 होता है और 0 के पहले -1 2 3 इस तरह से होता है, तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक अगर पूछता है तो आप इतना ध्यान रखिएगा, 0 1 2 3 और 0 से पहले माइनस वाले सभी अंक पूर्णांक कहलाते हैं। फिर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां पर ये q = 0 नहीं होता है, q कभी भी 0 नहीं होता है। p/q के रूप में जिन संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है जहां पर q = 0 नहीं होगा, जैसे 3/5 ये आपका परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे p/q जहाँ पर q पूर्णांक है, 0 ही कभी नहीं हो सकता है, वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 इत्यादि, ये सभी संख्याएं अपरिमेय, इन्हें p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हो गई। इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ पर q = q मतलब उसका हर कभी भी 0 नहीं होगा। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, जैसे अंडर रूट में कोई भी संख्या हो वे अपरिमेय संख्याएं होंगी, याद रखिएगा। इसके बाद दिया हुआ है 84,521 में 8 का स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे आप निकालेंगे? देखिए, अगर इस तरह से पूछ दिया कि 84,521 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो आप एक काम करिएगा, 1 लिखिएगा, उसके बाद 1 2 3 4 चार जीरो लगाइएगा, उसके बाद 8 का पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 80,000। देखिए, 1 2 3 4 चार जीरो आप लगाइएगा 8 के बाद, ये आपका स्थानीय मान निकल आएगा।
इसके बाद है 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक सबसे पहले 7 हो गया, उससे छोटा 6 है तो उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि जब 0 यहाँ पर दिया हुआ है और हमको सबसे छोटी संख्या अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि 0 को सबसे पहले लगा देते हैं, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6, फिर 7। और आप सोचते हैं कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी 0 यहाँ पर दिया हुआ हो और उससे पूछे कि किसी भी अंकों की 4 या 5 जितने भी अंक दिए हों कि उनकी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करिएगा, 0 को दूसरे स्थान पर रखिएगा हमेशा। उसके पहले जो सब उससे 0 को छोड़कर जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको पहले रखिएगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया, इसके बाद 0, फिर 6 और 7। ये आपकी हुई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इससे बनाया गया है, इसके हिसाब से ही ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई है। फिर है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो ये 5 बार 9 लिख देंगे तो आपका ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की पूछे, 6 अंकों की, 7 अंकों की, जितने भी अंकों की पूछे, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो जितने अंकों की कहे उतने बार आप 9 लिख दीजिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, फिर पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1 लिखिएगा, 1 के बाद 4 0 लगाइएगा, ये आपकी हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की पूछता है तो 1 के बाद 4 0 लगाइएगा, 6 अंकों की पूछता है तो 1 के बाद 5 0 लगाइएगा, ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। याद रखिएगा, अगर 2 अंकों की पूछता है तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 0 लगाएंगे, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर अब देखिए, यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर है आपका गुणा और भाग। गुणा और भाग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया है 2 से 3 बार आप इसको देखिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका हल करके, जो भी आपका प्रश्न होगा उसे हल करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी ये मेहनत जो है आप लोगों के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।